हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस फ्लावर को बनाना सिखाऊंगी और यह है एक ऑल ओवर डिज़ाइन है। इसे आप चाहे तो एक मोटिफ भी कह सकते हो। और इसको आज मैं एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी जिसके अंदर इस फ्लावर के अंदर उभार होगा और ये फ्लावर जो है भरकर बनाया जाएगा, यानी कि फिल करके। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी पत्ती को बनाएंगे और इसके लिए मैंने ये धागे की ये जो लेयर हैं ये पूरी 6 की 6 लेयर हैं। यहाँ इसके आधे तक निकालेंगे इस पत्ती के सुई को और इसके बाद ये जो पत्ती की आउटलाइन है इसके सहारे से सुई को निकाल देंगे। अब क्या करना है, इसके यहीं से वापस नीचे जाना है सुई को। यहाँ से भी कुछ ऐसे ही बनाना है दूसरी तरफ से। अब क्या करना है, इसके नीचे से टांके लेते हुए जाएंगे। तो इससे हल्का सा नीचे लेकर के सुई को यहाँ से सुई को निकालना है, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से। अब यहाँ पर ये जो है हमारा एरिया फिल हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसके सहारे से यहाँ ऐसे में यहाँ इसके किनारे और यहाँ इसके ऐसे किनारे पर टांके लेने हैं। इसी तरह इस पत्ती को भी बना लेंगे। अब ये दोनों पत्ती पूरी होने के बाद अब बनाएंगे हम फ्लावर। तो अब फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ इस एक पंखुड़ी के यहाँ से सुई निकाल के यहाँ तक एक बुलियन स्टिच को बनाएंगे। यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ तक एक टाँका लेंगे। बुलियन स्टिच बनाने के लिए एक, और यहाँ पे इतने राउंड लगाने हैं कि ये जो हमने टाँका लिया है इसको ये कवर कर पाए। इसके बाद इस सुई को धागे ऐसे ऐसे निकाल लेने हैं। इसको अब ऐसे ठीक कर लेंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद एक और इससे थोड़ा हट कर के लेना है ताकि हमारी सुई निकले ना नीचे से। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक टांका लेना है। इसको इस तरह धागों को ठीक कर लेना है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेना है एक बुलियन स्टिच। यहाँ पे हमने ये ले लिया। इसके बाद इसको यहाँ ऐसे नीचे कर देंगे सुई को। अब आप देख रहे हैं कि कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा तब ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये जो फूलों के ये जो पंखुड़ी है ये है हमारी मेन आउट लाइन यहाँ से यहाँ तक की। अब इसके बाद हम दूसरा धागा लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ ये हमारा बीच का सर्कल है जो यहाँ से बटन होल स्टिच को बनाएंगे। यहाँ से ऐसे सुई को निकाल दिया और धागे को आगे रखते हुए सुई के और यहाँ से और ये जो हमारी फूल की आउटलाइन है यहाँ तक टाँका लेंगे और इसको यहाँ पे इस लूप को टाँक देंगे ऐसे। फिर से धागे को आगे रखते हुए यहाँ ऐसे निकाल देंगे और ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से ले लेंगे इस टांके को। इस बार क्या किया है मैंने, ये सर्कल के ऊपर से टांका नहीं लिया, उससे थोड़ा ऊपर को लिया है। इसकी एक वजह है क्योंकि हमारा ये जो है एरिया ये बड़ा है और ये जो है एरिया यहाँ पे ये छोटा है, तो इसको हम बीच में से एक टांका लेके कवर करेंगे ताकि अगला टांका हम फिर यहाँ से लें और ये कवर हो जाए पूरा का पूरा। अब इसके बाद वाला जो टाँका है इसको हम यहाँ से लेंगे, तो वापस ऐसे लेंगे और हमारी आउटलाइन तक निकाल लेंगे सुई को।
फिर से एक और छोटा टांका लेंगे। अब इसके बाद इस वाली आउटलाइन से ले लिया। यहाँ इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने शेड वाले धागे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आप चाहें तो इस फूल को एक ही रंग के धागे से बना सकते हैं। अब इस फ्लावर के बनने के बाद अब इसके बीच में हम येलो कलर से फ्रेंच नोट को बनाएंगे और इसके लिए भी मैंने 6 धागे लिए हैं। उल्टे हाथ से पकड़ेंगे और 2 बार सुई पे लपेटा लगाकर और इसी जगह वापस नीचे ले जाना है। अब यह फ्लावर डिज़ाइन बन करके तैयार है। इस ऑल ओवर डिज़ाइन को आप चाहे तो बैग, बच्चों की ड्रेस या सूट के ऊपर बना सकते हैं, जिससे वो ड्रेस बहुत ही प्यारी दिखाई देगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएँ ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।